हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फोर क्लास फिफ्थ। दिस इज़ योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ 11th चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। एट होम, घर पर सोमदत्त रोस्टेड एंड ग्राउंड द ग्राम इनटू सत्तू। सोमदत्त क्या करता था, चने को भूनता था और ग्राउंड पर उसको कैसे कर लेता था, मतलब भून कर उसका सत्तू बना लेता था। ओके, एक फाइन वो होता है फ्लोर जिसको हम सत्तू कहते हैं। ओके, ही टुक द सत्तू और वह सत्तू लेके जाता था एंड पुट ऑफ वाटर टू द आउट स्ट्रिक ऑफ द टाउन, और एक पॉट में पानी ले जाता था और आउट स्किल्स टू द टाउन और गांव के बाहर। ही गेदर्ड सम सेल लीव्स और वहाँ पे कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करता था एंड फोल्डेड दैम इंटू स्मॉल बॉल्स और उनके दोने बना लेता, मतलब छोटे छोटे बॉल बना लेता था। इन विच ही मिक्स सत्तू और फिर उसमें सत्तू मिक्स करता था विद वाटर वाटर के साथ। देन ही वेटेड सून और फिर वेट करने लगता था वुड कटर्स का कम आउट ऑफ द जंगल, जो जंगल से बाहर आते हैं। कैरी बंडल ऑफ द फायरवुड, जो लकड़ियों का ढेर लिए जंगल से बाहर आते हैं। दे वर टायर्ड एंड थर्स्टी, वे सभी लोग बहुत ज़्यादा कैसे थके हुए और प्यासे होते हैं। सोमदत्त ऑफर्ड देम द कूल सत्तू एंड दे हैप्पी ड्रैंक इट, और सत्तू सोमदत्त उनको सत्तू ऑफर करता था और वे सभी सत्तू पीकर खुश हो जाते थे। ईच वुड कटर गेव हिम सम फायरवुड इन रिटर्न, और सभी जो वुड कटर्स थे इसके बदले में उसको क्या देते थे, कुछ लकड़ियाँ दे देते थे। सोमदत्त थैंक देम एंड वेंट होम, सोमदत्त उनका धन्यवाद करता था और अपने घर चला जाता था। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग सोमदत्त सोल्ड द वुड, अगली सुबह सोमदत्त क्या करता था, लकड़ी बेचता था एंड बॉट मोर बेंगल ग्राम, और उससे कुछ भी मतलब चने खरीद लेता था। बीच ग्राउंड इन टू सत्तू एंड सोल्ड द थर्स्टी वुड कटर्स, और उनका वह क्या करता था, सत्तू बनाता था और जो प्यासे वुड कटर्स होते थे उनको दे देता था। इट दिस एवरी डे फॉर ए फ्यू मंथ, और ये ऐसा काम करते करते डेली ऐसा करते उसे बहुत महीने बीत गए। एंड सेव हिज मनी, और उसने बहुत सारी मनी सेव कर ली। द रेन वर अबाउट टू कम, जब रेन आई सोमदत्त ब्रॉट ऑल द फायरवुड ही कुल, सोमदत्त ने सभी लकड़ियाँ ऑल द मतलब फायरवुड टू कुड बट डिड नॉट सेल इट, मतलब उसने क्या किया, ब्रॉड माने ली ऑल, सभी जो फायरवुड थी लकड़ियाँ ले ली लेकिन उसने सेल नहीं की थी। सून देयर वाज स्टोरेज ऑफ ड्राई फायरवुड, जब मतलब सूखी लकड़ियों का वो हो गया ना सर, मतलब बरसात में सब लकड़ियाँ गीली हो गई और सूखी लकड़ियों की शॉर्टेज हो गई। सोमदत्त सोल्ड दिस पाइल एट द ह्यूज प्रॉफिट, और सोमदत्त ने एक बड़े से प्रॉफिट में अपने लकड़ियों का ढेर बेच दिया। विद दिस मनी, और उन रुपए से क्या किया, सोमदत्त वॉट स्पाइसी एंड नट्स फ्रॉम द फादर्स ओल्ड फ्रेंड्स एंड सेल टू डिस्टेंट लैंड्स, अपने पिता के पुराने फ्रेंड से उसने स्पाइसी और नट्स को खरीदा और दूर देशों में उनको चला गया बेचने के लिए। ही हैड मैनी एडवांटेज ऑन द सीज, और उसने बहुत से एडवेंचर्स भी उसके साथ हुए समुद्र में। ही कैम बैक ए सक्सेसफुल यंग मर्चेंट, और भाई जब वापस आया तो एक सफल यंग मतलब मर्चेंट व्यापारी बन के लौटा। एंड बिल्ड ए हाउस, और इसने एक घर बनाया। हियर ही बिगेन टू लिव विद हिज मदर, जहाँ उसने अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया। विद द मनी ही हैड अर्न, अब उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। ही आल्सो सेट अप बिजनेस इन टाउन, और अपने शहर में उसने अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया था। वैन दैट फ्लोरिस्ट, मतलब उसके बाद ही वैन टू मीट, वह किससे मिलने गया, वेद प्रकार से, विद ए गोल्डन रैट एज ए टोकन ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड, और उसने वो अपने के साथ किसको ले गया, एक रेड मतलब एक गोल्डन चूहे को ले गया उसको देने के लिए, ठीक है, मतलब एक उपहार के तौर पे उसको वापस करने के लिए। वेद प्रकाश डिड नॉट रिकॉग्नाइज सोमदत्त एट फर्स्ट, पहले तो वेद प्रकाश सोमदत्त को पहचान नहीं सका। इट हैड बीन 5 ईयर सिंस देयर लास्ट मीटिंग, उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 5 साल पहले हुई थी। वैन सोमदत्त हैंडेड हिम द गोल्डन रैट, जब सोमदत्त हाथों में वो सोने का चूहे लिए थे। वेद प्रकाश लुक एट द यंग मैन, वेद प्रकाश ने उस नौजवान को देखा एंड रिमेंबर्ड, याद किया द इंसिडेंट, वो कहानी ऑफ द डेड रैट, मतलब चूहे को देखकर उन्हें वो कहानी याद आ गई मरे हुए चूहे की। द मर्चेंट रिफ्यूज टू टेक द रैट, और वह व्यापारी उस रैट को नहीं लेना चाहता था, पर सोमदत्त ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की। ही एक्सप्लेन दैट ओनली हैड द डेड रैट बीन ए लोन, उसने ये कहा कि वो मरा हुआ चूहा इसके लिए सिर्फ एक लोन नहीं था। बट वेद प्रकाश वर्ड, जो वेद प्रकाश के वर्ड थे, वर्ड द इंस्पिरेशन में होता है द रीजन बिहाइंड समवन अचीविंग सम दैट हैड लीड टू दिस रेस टू रिचेज स्टोरी, वो बातें उसके लिए एक इंस्पिरेशन थी, एक प्रेरणा थी, जिसकी वजह से वो आज इस ऊंचाई तक पहुंचा है। ओके, वेद प्रकाश फाइनली एक्सेप्टेड द गोल्डन रेट, और लास्ट में उसने वो गोल्डन रेट एक्सेप्ट कर लिया। सोमदत्त हैड रिपेड हिज लोन,
उस रोमदत्त ने अपना जो लोन था वो चुका दिया, उसने एक मरा हुआ चूहा लिया था, उसके बदले उसने एक उसे सोने का चूहा दे वापस किया। एंड आल्सो बोर्न ए वाइज फ्रेंड एंड मेंटर मेंटर इन वेद प्रकाश इन एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र, और उन्होंने वेद प्रकाश के रूप में एक बुद्धिमान दोस्त और एक मतलब विश्वासी मतलब एडवाइज़र मिल गया, क्योंकि वेद प्रकाश को व्यापार के मामले में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ओके, आपका ये चैप्टर यहीं पर कम्प्लीट होता है। नोट डाउन योर होमवर्क। बेटा होमवर्क में देखिए पेज नंबर 93 पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस। आपके बॉक्सेस में ये वर्ड वो दे रखे हैं, ये बॉक्सेस में वर्ड्स दे रखे, इनके अकॉर्डिंग इनकी हेल्प से ये अपने का आपको कंप्लीट करनी है। एंड आपको आंसर दिस क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। एंड थिंक द आंसर, और ये थिंक दो आंसर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आप सबको सॉल्व करने हैं। पहले तो आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको इनकी क्या मिलेगी, इमेज मिल जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।